हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IRCTC के नई वेबसाइट से किस तरीके से अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे। इससे पहले मैं बात किया था कि IRCTC के नई वेबसाइट से किस तरीके से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता है, तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है। उस समय एक ही बात पूछा जा रहा है कि सर IRCTC के नई वेबसाइट से किस तरीके से ट्रेन का टिकट कैंसिल किया जाता है, उसका आप लाइव डेमो दिखाइए। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप IRCTC के नई वेबसाइट से अपना ट्रेन का कैंसिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Shut up and sit down. हेलो गाइज, मैं हूं इंजीनियर राजा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम नए वेबसाइट जो IRCTC ने लॉन्च किया है उससे हम अपने ट्रेन का टिकट किस तरीके से कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो कोई भी ब्राउज़र है, आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में, अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें आप टाइपिंग कर देंगे IRCTC.co.in तो भी आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। या मैं वीडियो का उस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा जहां से जाके बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो मैं यहां पे टाइपिंग कर देता हूं IRCTC.co.in, या आप भी अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा IRCTC.co.in तो भी आप ये वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रेन का, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेन कैंसिल ट्रेन का। यहाँ पे ई टिकट है और काउंटर टिकट है, अगर आप काउंटर से टिकट कटाए हुए हैं तो भी इसको आप बहुत ही आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने में ये नया पेज ये ओपन होकर इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन टैप आपको यहां से चूज कर लेना है, यहां कैंसिलेशन या बोर्डिंग पॉइंट चार्ज। इसके बाद यहां पे अपना PNR नंबर डाल देना, जो भी आपका PNR नंबर होगा इस तरीके से कोना पे शो करेगा और यहां पे ट्रेन नंबर यहां पे आपका शो करेगा, जो इसका यहां पे आप पढ़ भी सकते हैं। और यहां पे कुछ गाइडलाइन दे रखा है राइट साइड में, इसको आप यहां से इसको रीड कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि जो हम ई टिकट कैंसिल कैसे करेंगे, जो हम नेट से खुद से बनाए हुए हैं तो उसको हम जैसे हम नेट से बनाए हुए हैं तो उसको हम ई टिकट कैंसिल कैसे करेंगे। आपको लॉगिन होना होगा तो यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद इसमें कैप्चा होगा, इसको कैप्चा के यहाँ से दो बार रिफ्रेश करेंगे अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो। यहाँ पर यह कैप्चा आ गया है, कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के या कैप्चा डाल के यहाँ पर हम साइन इन हो लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ मेरा नाम आ चुका है, यहाँ मेरा अकाउंट आ चुका है और मैं जो भी टिकट बुक किया हूँ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप नए साइट से IRCTC का अपना टिकट कैंसिल करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसमें भी मैं दिखाया था कि किस तरीके से आप नए साइट से अपना टिकट कैंसिल करेंगे। और आज मैं फिर आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप IRCTC नए वेबसाइट से अपना टिकट कैंसिल करेंगे। तो टिकट कैंसिल करने के लिए आपको 48 घंटा पहले तक आपको टिकट कैंसिल कर लेना चाहिए। तो इसमें आपको 40% तक आपको चार्ज कटता है। अगर आप 24 आवर के अंदर में टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें 25% का चार्ज करता है। अगर आपका जो चार्ज प्रीपेड हो जाता है तो फिर आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं होगा, आपका पूरा पैसा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको 24 आवर से पहले 48 घंटे से पहले आपको जो भी बुक टिकट किए हुए हैं अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल टिकट करने के लिए आप सिंपली करेंगे क्या, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल टिकट है, ई टिकट से आप यहाँ पर जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट माई अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता होगा, यहाँ माय ट्रांजेक्शन पे, इस पे जाएंगे, इसी वाला ऑप्शन पे जाके आप अपना टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बुक टिकट हिस्ट्री पे जाता हूँ,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका टिकट आ चुका है। तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया, आप यहाँ से भी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हो गया कि यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, इस तरीके से एक स्टेप बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ जो दे रखे हैं ट्रेंसफर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैंसिल टिकट है और यहाँ पर ई टिकट है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जहाँ से बहुत ही आसानी से आप अपने ट्रेन का टिकट कैंसिल कर सकते हैं। टिकट को कैंसिल करने के लिए सिंपली यहाँ इस टिकट वाले पे क्लिक करेंगे, एक बार इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो टिकट है इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाता है। और यहाँ पे आप ढेर सारा ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कैंसिल टिकट, यहाँ पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ गेट एसएमएस के द्वारा भी टिकट को आप जो अब लाइव देख सकते हैं कि क्या आपका ट्रेन का स्टेटस है। जिसे मेरे पास कई सारा कमेंट आया हुआ था कि सर हम एक से ज़्यादा अगर टिकट हो मेरे पास तो किस तरीके से टिकट को कैंसिल करेंगे, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ टिकट कैंसिल करने के लिए यहाँ देखो कैंसिल टिकट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फर्मेशन ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, इसको आप रीड कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ओके करते ही यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, मेरे पास एक है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं टिक कर दूँगा। अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 हो तो इस तरीके से आपके नीचे में रहेगा। जिस एक से ज़्यादा आदमी को टिकट कैंसिल करने के लिए इसी तरीके से आप इस पर टिक कर देंगे, यहाँ पर 2 रहेगा तो उस पर टिक कर देंगे, 3 रहेगा उस पर टिक कर देंगे, या 1 रहेगा तो 1 ही पे इस तरीके से टिक कर देंगे, या 2, 3, 4 रहेगा जिस पर टिक कर देंगे तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमें एक ही है तो मैं यहाँ एक पर टिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेरा टिकट जो है कन्फर्म है और यहाँ कैंसिल टिकट है। मैं यहाँ पर कैंसिल टिकट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड टू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्या आप जो टिकट है कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ओके वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो टिकट कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है कैंसिलेशन चार्ज जो है 90 रुपया, मतलब 90 रुपया जो है कट चुका है। तो यहाँ से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंट कैंसिल रिक्वेस्ट इंग्लिश और हिंदी में आप इसको जो प्रिंट करके रख सकते हैं। चलिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए, या और इसको मैं जो इंग्लिश वाला है या हिंदी वाला है दोनों में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट स्टेटस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और इससे पहले मैं दिखाया था यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कन्फर्म था टिकट, तो अब मैं इस टिकट को कैंसिल कर चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं टिकट जो मेरा है कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ में जो है मेरा अकाउंट है उसमें रिफंडेबल अमाउंट होगा 260 रुपया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि टिकट चार्ज जो था मेरा 367 रुपया इतना पैसा था, और यहाँ पे जो बुकिंग अमाउंट था ये 350 रुपया था, इसमें मेरा जो है GST इंक्लूड था इसीलिए इतना 367 रुपया ये बना था। तो ये मेरा अब टिकट जो कैंसिल हो चुका है, मैं यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तो प्रिंट कैंसिल रिसिप्ट पे इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपका आ जाता है, कैंसिलेशन जो आप टिकट को किए हैं तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए, और यहाँ पर देखिए मेरा ये लैपटॉप में मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसका जो ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है कि आप इसको कहाँ आप सेव करके रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ नाम टिकट, इस तरीके से टिकट मैं डाल दिया, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए। तो ये मेरा जो टिकट है अब कैंसिल हो चुका है, और मैं इसको सेव करके भी रख चुका हूँ। सो गाइज, इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से नए वेबसाइट से आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।